हम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम विषय संस्कृत। बच्चों आज मैं पुनः आपके जो मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया था पाठ तिथि उसे लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। बच्चों मैंने तो आपको पाठ पढ़ा दिया, आपने इसे कितना सीखा? और आइए यदि आपने इस पाठ को भली प्रकार सीखा है तो यह पाठ है इस पाठ आपको पहले भी पाठ चैप्टर जो आपका है 3 यानी तृतीय पाठ जो है उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। इसमें जो हमारे युग पुरुष थे, हमारे जो महान पुरुष थे, राष्ट्रप्रेमी संत जो हमारे थे, वो स्वामी विवेकानंद, इनके विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। बच्चों अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने तो आपको उस दिन भी संपूर्ण पाठ को पढ़ाया उसके अर्थ के साथ, आपने कितना सीखा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपको स्वामी विवेकानंद पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा तो किस प्रकार आप इस पाठ से ही इनके अनुच्छेद को तैयार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद यह एक महान संत और देशभक्त थे, इनके बारे में जो है हम अनुच्छेद में भी जो हमारा निबंध है वो है उसमें भी महापुरुषों के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं, लिखने के लिए कहा जाता है। अतः यदि आपसे स्वामी विवेकानंद के विषय में लिखने के लिए कहा जाएगा तो संस्कृत में जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें अनुच्छेद लेखन दिया जाता है, तो उसमें कभी महात्मा गांधी पर रहता है, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, कभी आपके विद्यालय पर, कभी पुस्तकालय पर और कभी विवेकानंद पर भी हो सकता है। अतः आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इस पाठ से भी इसके अनुच्छेद को तैयार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भारतस्य एकः महान् संतः राष्ट्रप्रेमी च आसीत्। जब हम किसी के ऊपर कोई अनुच्छेद या निबंध लिखते हैं तो हमें जो शीर्षक होता है, चाहे वो जो व्यक्ति होते हैं, उनके जीवनी के बारे में बताना होता है। और अनुच्छेद कहते हैं जब हम संक्षिप्त विवरण देते हैं किन्हीं के विषय में तो उन्हें अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद किस प्रकार तैयार करेंगे, मैं पहले तो उसका शीर्षक स्वामी विवेकानंद देकर फिर विवेकानंद के विषय में मैं बच्चों को जानकारी देती हूँ कि किस प्रकार से वो अनुच्छेद तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद भारतस्य एकः महान् संतः राष्ट्रप्रेमी च आसीत्। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष के एक महान संत और राष्ट्रप्रेमी थे। अस्य जन्म बंग प्रदेशस्य कोलकाता नगरे 1863 तमे ख्रीष्टावदे जनवरी मासस्य द्वादश तिथौ अभवत्। उनका जन्म बंगाल प्रदेश के कलकत्ता नाम के शहर में 1863 ईस्वी में जनवरी महीने की 12 तारीख को हुआ था। विवेकानंद से पिता नाम विश्वनाथ दत्ता आसी। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। भुवनेश्वरी देवी अश्य माता आसी। भुवनेश्वरी देवी इनकी माताजी थी। बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र दत्ता आसी। बचपन में इनका नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र से गुरु नाम रामकृष्ण परमहंस आसी। और नरेंद्र दत्त के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण एक सिद्ध पुरुष काली पूजक च आसी। यह रामकृष्ण जो थे, जो इनके गुरु थे, वो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष और माता काली के पूजक थे। रामकृष्णेन एव तस्य नाम विवेकानंद इति कृतम्। रामकृष्ण ने ही इनका नाम नरेंद्र दत्त से बदलकर विवेकानंद किया था। ईस्वी वर्ष विवेकानंद भारतीय संस्कृते पताकां गृहीत्वा अमेरिका देशम अपि अगच्छत्। 1893 ईस्वी वर्ष में विवेकानंद भारतीय संस्कृति की पताका लेकर अमेरिका देश गए।
तत्र सा शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने हिंदू धर्म से प्रतिनिधित्व अकरोत। वहाँ उन्होंने शिकागो नगर में विश्व धर्म हिंदू धर्म सम्मेलन में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तस्मिन् सम्मेलने तस्य भाषणं श्रुत्वा तत्र उपस्थिता जना अतीव प्रभाविता अभवन। वहाँ उनके भाषण को सुनकर जो है सभी लोग वहाँ जो सम्मेलन में उपस्थित थे वो बहुत ही प्रभावित हुए। उनके भाषण को सुनकर अनेका वैदेशिका तु तस्य शिष्या अभवन और उनसे प्रभावित होकर अनेकों विदेशी उनके शिष्य हो गए। अस्य महापुरुष अस्माकं मध्ये चिरं न अतिष्ठत। ये महापुरुष हमारे बीच अधिक समय तक नहीं रह सके। ऐसा जुलाई मासे 1902 ईस्वी वर्षे निज देह अत्यजत। उन्होंने जुलाई मास में 1902 ईस्वी को अपने देह का त्याग कर लिया। इस प्रकार से बच्चों आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो उनसे विवेकानंद के विषय में अनुच्छेद भी लिख सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे मनोयोग के साथ इसे पढ़ेंगे एवं इन विवेकानंद के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और इसमें दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनके समुचित उत्तर लिखकर आप जरूर ही हमें बताएंगे। इसी के साथ मैं अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।